एंड बच्चों आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 है आपकी एनसीईआरटी में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ रही है उसमें. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस एक्सरसाइज. बहुत ही छोटी एक्सरसाइज, बहुत ही इजी, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की बात है, वो अभी 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा. बस एक बार ये पूरी वीडियो देख लेना, बीच में स्किप मत करना, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है फिर, ठीक है? बहुत जल्दी सब समझा दूंगी, डोंट वरी. देखो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है. मैं लीनियर इक्वेशंस के ऊपर आपको वीडियोस दे भी चुकी हूँ पहले भी, उसमें भी मैंने आपको काफी कुछ एक्सप्लेन किया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, सब कुछ किया है. बट इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बताती हूँ कि ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, जो कि सबको पता है ना, इतना तो सबको पता है. अच्छा, ये ओरिजिन है, ये भी सबको पता है. बच्चों मेन चीज जो मुझे समझानी है इस एक्सरसाइज जो जिसके ऊपर बेस्ड है वो ये है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है. देखो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी ये जैसे -1.0 है, ये -2.0 है, ये -3.0 है, राइट? ये क्या है 1.0, ये क्या है 2.0, ये क्या है 3.0. तो दैट मींस एक्स एक्सिस पर मैं जितने भी कोऑर्डिनेट्स ले रही हूं उसमें जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, वो वाई वाला कोऑर्डिनेट जीरो है, राइट? वाई एक्सिस पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स लूंगी इसमें एक्स वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा. इतना तो समझ आता है. तो जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है वाई इज इक्वल टू जीरो, कि वाई जीरो होता है हमेशा एक्स एक्सिस पर, ये याद करना, ठीक है? और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो होती है वो होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी यहां पर सारे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, यानी ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.-1 है, ये 0.-2 है. सो दैट मींस ऑल एक्स कोऑर्डिनेट्स आर जीरो ऑन दिस वाई एक्सिस, सो द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो. इतना समझ आया. उसके बाद अगर मैं एक चीज कंसिडर करूं, एक इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2. अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. 8th क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. हम वन वेरिएबल में डील करते थे, अब हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं. अब यहां पर तो दो वेरिएबल्स है ही नहीं, यहां पर तो एक ही वेरिएबल है ना, यहां पर तो एक ही वेरिएबल है. तो इसका मतलब ये तो एक, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना? अगर इसी को ही मैं कहूं, जैसे कि तुम्हारी 4.1 एक्सरसाइज अगर आप देखो, उसमें एक क्वेश्चन है कि ऐसी वाली इक्वेशन को चेंज करो इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसको चेंज करो इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे एक्स प्लस जीरो इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. ऐसे करते हैं ना कि x तो एज इट इज रहा, 2 भी एज इट इज रहा, लेकिन y वाला नहीं था, लेकिन y वाला तो हमें वेरिएबल लाना था, बिकॉज आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो y वाला लाने के लिए उसको 0 डॉट लिख दो, यानी 0 मल्टीप्लाइड बाय y, सो दैट ये है भी और नहीं भी, दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि मैंने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, लेकिन एक्चुअली ये y है तो नहीं ना, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 0 से मल्टीप्लाई होके तो मतलब ये वैनिश हो ही गया, चला ही गया, खत्म ही हो गया, है ना? तो कहने को ये कन्वर्ट भी कर दिया मैंने, और दूसरी बात कि ये वाई वैसे है नहीं यहाँ पर, है ना? तो जब मैंने इसे इस फॉर्म में चेंज किया, अगर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में था तो इसका एक ही सोल्यूशन था एक्स इक्वल टू 2, लेकिन अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो गए. कैसे हो गए सोल्यूशन बहुत सारे, कि जो वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. x is equal to 2 का मतलब जो हमारी लाइन है ना x is equal to 2, वो कहाँ है, x is equal to 2 है यहाँ पर, ये एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि x is equal to 2 ये वाली लाइन होती है, और इस लाइन पर जो y की वैल्यू होती है वो बहुत सारी होती है, एक नहीं होती, बहुत सारी होती है. क्या होती है, ये देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कौन सा माना जाएगा 2.1, ये वाला पॉइंट कौन सा है 2.2, ये वाला पॉइंट कौन सा है 2.-1, ये वाला पॉइंट कौन सा है 2.-2. सो मुझे बेसिकली इस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड ये चीज बतानी है आपको कि x इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, और x इज इक्वल टू 2 कौन सा पॉइंट होता है, वो नंबर लाइन पे होता है,
ये 1, 2, 3 -1, -2, -3 ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है यानी ग्राफ पेपर जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, और ये क्या है नॉर्मल एक शीट ऑफ पेपर पे मैं नंबर लाइन बना रही हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू 2 ऑन द नंबर लाइन प्लॉट करो तो मैं मार्क करूंगी ये, दिस इज x इज इक्वल टू 2। अगर मैं बोलूंगी x इज इक्वल टू 2 कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करो तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब मुझे उसमें दो वेरिएबल्स में प्लॉट करना है, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स में मतलब मैं ऐसे प्लॉट करूंगी कि x तो 2 है मेरा फिक्स्ड, लेकिन जब x 2 है तो y की बहुत सारी वैल्यूज हैं, y कैन बी 1, y कैन बी 2, y कैन बी -1, y कैन बी -2 एंड सो ऑन। बात समझ आई? दो टाइप के क्वेश्चंस हैं सिर्फ इसमें। क्या है कि एक क्वेश्चन है जैसे मैंने लिखा है कि या एक तो नंबर लाइन पे प्लॉट करो और एक प्लॉट करो कार्टेशियन प्लेन पे, नंबर लाइन पे कार्टेशियन प्लेन पे, या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा या फिर आएगा वन वेरिएबल में या टू वेरिएबल्स में, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल यानी नंबर लाइन। इसका क्या मतलब है वन वेरिएबल, और अगर आया टू वेरिएबल्स तो इसका मतलब क्या है कार्टेशियन प्लेन। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, कार्टेशियन प्लेन मतलब दो वेरिएबल और नंबर लाइन मतलब वन वेरिएबल। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्वेश्चन कैन कम इन एनी ऑफ द वेज, या तो वो तुमसे पूछेंगे इस फॉर्म में नंबर लाइन या कार्टेशियन प्लेन की फॉर्म में, या पूछेंगे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स की फॉर्म में। आई बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, मैं इरेज कर रही हूं अभी, मतलब कि मैंने अभी तुम्हें x इज इक्वल टू 2 बताया है ना, x इज इक्वल टू 2 मैंने आपको ये बताया कि 1, 2 तो x इज इक्वल टू 2 ये हो गया, ये कौन सी लाइन है x इज इक्वल टू 2। अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू -2 तो ये वाली लाइन है, ये मतलब x इज इक्वल टू 2 तो फिक्स्ड है, ये 2 ये फिक्स्ड है, तो x चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इस पे, यहां पर भी x इज इक्वल टू -2 फिक्स्ड है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर ये -2 है, सॉरी ये क्या है -2, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1 कौन सा हुआ, ये वाला, ये कौन सी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 फिक्स्ड है, लेकिन यहां पर x की बहुत सारी वैल्यूज है, x कैन बी -1, x कैन बी -2, x कैन बी 1, x कैन बी -2, ये सारी y इज इक्वल टू 1 फिक्स्ड लेकिन x की बहुत सारी वैल्यूज। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू -2 तो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि जो x इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, या सकता है एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भी करके कि x इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, y एक्सिस, x इज इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, y एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन, y इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, x एक्सिस, y इज इक्वल टू -1 यानी ऐसे इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, x एक्सिस। ये सीखा, एक्सरसाइज हो गई हमारी। देखो अब क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ आएगा। चलो पहला एग्जांपल है हमारा 9th, इस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड एग्जांपल 9th हमें बोलता है सॉल्व द इक्वेशन। पहले तो इसको सॉल्व करो भाई, देखो यहाँ पर 2x है ना, नॉर्मल जैसे 8th क्लास में करते थे कि 2x plus 1 is equal to x minus 3 हमें दिया हुआ, इसको पहले सॉल्व कर दो तुम, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे कि ये वाला x मैं इधर ले आऊंगी माइनस में, और ये वाला प्लस 1 में उधर ले गई माइनस में, तो मेरा x आ गया -4। ये सॉल्व हो गई। आगे क्या बोलते हैं, उसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करो, कार्टेशियन प्लेन पे भी। नंबर लाइन मतलब वन वेरिएबल, यानी कैसे ये बनाई मैंने नंबर लाइन, 0, -1, -2, -3, -4 ये हो गई मेरी नंबर लाइन। क्या प्लॉट करना है मुझको, -4, तो यानी ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू -4, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, सॉल्व द इक्वेशन भी हो गया। क्या रह गया, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो। ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया, उसके बाद हमें एक्स इज इक्वल टू -4 प्लॉट करना है, तो -1, -2, -3, -4 और ये ऐसे तुम्हें लाइन दिखानी है x इज इक्वल टू -4, यहाँ पर तुम लिख दोगे ये मेरी x इज इक्वल टू -4 है, और यहाँ पर तुम एक और चीज लिख सकते हो,
इसको तुम ऐसे लिख दो, x इज इक्वल टू माइनस फोर मेरी कौन सी लाइन है, ये x इज इक्वल टू माइनस फोर मेरी ये वाली लाइन बन गई, और तुम यहां पर लिख दो 1, 2, 3 माइनस 1, -2, -3। ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों, -4, 0। ये वाला पॉइंट कौन सा है, -4, 1। ये वाला पॉइंट कौन सा है, -4, 2। ये वाला -4, 3। y की वैल्यूज चेंज हो रही है ना, यही बताया था ना मैंने अभी। यहां पर क्या आएगा, -4, -1, -4, -2, -4, -3 एंड सो ऑन, ऐसे शो करना है। दिस वाज द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। 4.4 एक्सरसाइज पे आओ, फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो बच्चों, y इज इक्वल टू 3 का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है हमको, वन वेरिएबल में भी टू वेरिएबल में भी, है ना। वन वेरिएबल बोल दिया, नंबर लाइन नहीं बोला, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे हम। टू वेरिएबल बोल दिया, कार्टेशियन प्लेन नहीं बोला, कोई बात नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 3 पहले से ही सॉल्व दे रखी, इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करनी। y इज इक्वल टू 3 का मतलब कि यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 y इज इक्वल टू 3, यानी ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट डन, कुछ भी नहीं, ठीक है। सेकेंड पार्ट, कार्टेशियन प्लेन बनाओ, यानी x एक्सिस और y एक्सिस बनाओ। टू वेरिएबल्स, y इज इक्वल टू 3, 1, 2, 3, -1, -2, 1, 2, 3, -1, -2, ये रहा मेरा ओरिजिन। y इज इक्वल टू 3 का मतलब ऐसे, ये वाला, तो ये मेरी y इज इक्वल टू 3 हो गई। अब तुम क्या कर सकते हो, यहां पर एक और चीज दिखा सकते हो कि ये मेरा पॉइंट कौन सा है, -1, 3। ये मेरा पॉइंट कौन सा है, -2, 3। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1, 3। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 2, 3। और ये 3, 3। तो यहां पर x की वैल्यूज चेंज हो रही है, लेकिन y क्या है, फिक्स्ड। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ मैम ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है। अरे तू क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -9, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, -9/2, कोई बात नहीं, क्या हो गया, x इज इक्वल टू -4.5, क्या हो गया फिर, ये तो समझ आता है ना, इतना सॉल्विंग तो आती है ना। अब वन वेरिएबल मतलब या नंबर लाइन मतलब ऐसे कर देते हैं, ये हो गई मेरी नंबर लाइन 1, 2, -3, -4, और ये हो गया मेरा -5, और -4 और -5 के सेंटर वाला पॉइंट क्या होगा, -4.5। तो इसको हमने यहां प्लॉट कर दिया -4.5, यानी -9/2। क्यों, ये बीच वाला पॉइंट कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बॉक्सेस होते हैं ना, ठीक है, ये 10 बॉक्सेस हैं, और बीच वाला बिल्कुल फिफ्थ वाला, 1, 2, 3, 4 फिफ्थ वाला क्या है, -4.5, ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर हम यहां पर आ जाएं कार्टेशियन प्लेन में, वो भी ऐसे ही होगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये हमारा हो गया यहां पर सेंटर वाला, और इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू -4.5, 1, 2, 3, 4। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये वाला है -4.5, 0। ओके, -4.5, 1, -4.5, 2। ये वाला कौन सा होगा, -4.5, -1, -4.5, -2। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन सेकेंड। तो एक्सरसाइज 4.4 आपकी कंप्लीट हो गई। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे।